कश्मीर के किरण सेक्टर में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान हुआ खत्म। किरण सेक्टर में एलओसी के करीब बड़े स्तर पर हुई थी घुसपैठ। सेना ने अपने अभियान में आतंकवादियों को खदेड़ा। उच्चतम न्यायालय ने तंदूर हत्या मामले में सुशील शर्मा की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदला। वर्ष 1995 के इस चर्चित मामले में युवा कांग्रेस के पूर्व नेता सुशील शर्मा को मौत की सजा सुनाई गई थी। सुशील ने मौत की सजा के फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। केंद्रीय कैबिनेट की आज नई दिल्ली में हुई महत्वपूर्ण बैठक में अन्य मुद्दों के साथ तेलंगाना के मसले पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा बैठक के दौरान हाल ही में विशेष दर्जा प्राप्त कर्नाटक प्रांत के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड गठित करने पर भी हुआ विचार। मंत्रिमंडल ने भारतीय राष्ट्रीय पहचान प्राधिकरण विधेयक को मंजूरी दी। इसके लागू होने से यूआईडीएआई को संवैधानिक दर्जा मिलेगा और आधार को कानूनी आधार मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश के विभाजन के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन और बंद का सीमांध्र के इलाकों में जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है। सीमांध्र में पावर हाउस बंद होने से कई जिलों में बिजली गुल होने के साथ सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका कद अटल आडवाणी से बड़ा नहीं है। एक इंटरव्यू में वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जितने ताकतवर नहीं हैं। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी आज रायबरेली के दौरे पर हैं। आज उन्होंने इस्पात निगम के कारखाने की आधारशिला रखी। ये कारखाना रायबरेली के लालगंज इलाके में बन रहा है। सोनिया गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र के कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज राजधानी के विज्ञान भवन में अनुसूचित जाति के सशक्तिकरण पर आधारित एक राष्ट्रीय जागरूकता कैंप को संबोधित किया। इस मौके पर राहुल ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों के लिए काम किया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी यूरोपीय देशों के अपने दौरे से वापस लौटे। वापस आते वक्त राष्ट्रपति ने विमान में बातचीत के दौरान अपने दौरे को सकारात्मक बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि तुर्की के प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के मसले पर भारत के रुख से सहमति जताई है। शेयर बाजार ने छुआ 20,000 का मनोवैज्ञानिक स्तर। सेंसेक्स आज 240 अंक की बढ़त के साथ 20,135 अंक पर खुला। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 63 अंक मजबूत होकर 5,969.50 अंक पर खुला। आज अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की तुलना में रुपया 11 पैसे की मजबूती के साथ 61.68 रुपए प्रति डॉलर पर खुला। कल रुपया 35 पैसे टूटकर 61.79 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। जेम्स रॉसमैन, रैंडी शेकमैन और थॉमस सुडाफ को इस साल चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। पहले दो वैज्ञानिक अमेरिकी हैं, जबकि सुडाफ का जन्म जर्मनी में हुआ। हिंदी फिल्मों में अपने दमदार डायलॉग्स के लिए जाने जाने वाले फिल्म अभिनेता राजकुमार की आज जयंती है। पुलिसिया पृष्ठभूमि से फिल्मी दुनिया में पहुंचे राजकुमार ने संवाद के जरिए फिल्मी दुनिया में बनाई खास जगह।